इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके से दिखाता है। इसमें लिखा आता है, योर रिक्वेस्ट कांट बी प्रोसीड, देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद दिस रिक्वेस्ट, वी आर वर्किंग ऑन गेटिंग इट्स फिक्सड एज सून एज वे कैन। ठीक है, इस तरह से हमें बताता है जब हम फेसबुक पर कोई भी मतलब चीज़ कर रहे होते हैं, चाहे वे फेसबुक ऐप में करें या फिर मेनली प्रॉब्लम कभी कभार मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है आपको मतलब ब्राउज़र में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो फेसबुक को, तो उस केस में थी। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, सोल्यूशन भी स्टूडियो में बताए, उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर मतलब लाइक वगैरह भी कर लीजिएगा। तो देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसका मतलब ये हो रहा है कि अब फेसबुक के साथ कोई इरर चल रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम मेनली जो है क्रोम ब्राउज़र हो गया, या फिर अगर आप कोई अदर ब्राउज़र चलाते हैं, यूसी मिनी या फिर यूसी ब्राउज़र या फिर जो भी ब्राउज़र है आपके फायरफॉक्स वगैरह, तो उसमें आपको आती है। तो सोल्यूशन के तौर पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, जो भी आपको चीज़ करनी है वो एक फेसबुक एप्लीकेशन में कीजिएगा, वहाँ पर हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। ठीक है, आते हैं बट मिनिमम आते हैं, काफ़ी कम आते हैं। तो सबसे पहले तो आप फेसबुक जो एप्लीकेशन है उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए और इस एप्लीकेशन से जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं क्रोम ब्राउज़र या फिर किसी भी ब्राउज़र में, तो वो सारी चीज़ें आप फेसबुक एप्लीकेशन के थ्रू करिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फेसबुक का नहीं तो मतलब लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फेसबुक लाइट में भी आपको लगभग सभी चीज़ें मिल जाती है जो आप करना चाहिए। ठीक है, टैगिंग वगैरह हो गया या फिर कोई भी अदर चीज़ मेंशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप ब्राउज़र से करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप फिर भी मतलब ब्राउज़र से ही करना चाहते हैं एंड वहाँ पर आपको उस तरीके की दिक्कत आती है, तो उस केस में आपको करना कुछ नहीं है कि उस पेज को जो है यहाँ से मतलब बंद कर दीजिए, पूरी तरह से उस ब्राउज़र को वहाँ से बंद कर दीजिए। ठीक है, हमने बैकग्राउंड से सभी एप्लीकेशन को हटा दिया है एंड ब्राउज़र को भी आपको वहाँ से ठीक है हटा देना है। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है एंड उसके कुछ टाइम बाद आपको नेट कनेक्शन ऑन ऑफ़ करते रहना है एंड देन फिर से आपको उस फेसबुक वाले पेज पर चले जाना है। एंड देन देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर प्रोसेसिंग या फिर नेटवर्क आपकी जो भी इरर आ गई थी वो फिक्स हो जाएगी, बट इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, मतलब ब्राउज़र को बंद करके चालू करना है। एंड फिर भी अगर आपको वही प्रॉब्लम बार बार दिखा रहा है, तो उसका मतलब ये हो रहा है कि फेसबुक की तरफ से ये प्रॉब्लम है, हमारे अकाउंट हमारे डिवाइस में कोई इस तरह की इशू नहीं है, ये जो प्रॉब्लम है वो फेसबुक के एंड की तरफ से आ रही है। तो उसमें फेसबुक उस प्रॉब्लम को कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली फिक्स कर देता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है फेसबुक एक दो दिनों में या फिर लगभग 4-5 घंटों के अंदर भी सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी, देन आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं प्रोसेसिंग वगैरह, तो वो फेसबुक के ज़रिए आप कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।